चादर जोत जगाई, कल चुकी अंदर जोत जगाई, कल चुकी अंदर जोत जगाई, कल चुकी अंदर जोत जगाई, बड़ा पुरख परगटिया, बड़ा पुरख परगटिया, कल चुग अंदर जोत जगाई, कल चुग अंदर जोत जगाई। गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार ते आए, हर पासे अज्ञानता दी धुंद छाई हुई सी, कर्म कांडा विच लोग फस के एक दूसरे नाल नफरत, एक दूसरे नाल ईरखा करके अपना जीवन निष्फल गवा रहे सन। गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार विच कोई कुछ दान कर रहा है, कोई कुछ दान कर रहा है, पर बाबा जिथे बैठे नाम दी जोत जगाई बैठा, बाबा जिथे बैठा कीर्तन दा लंगर चल रहा है, जिथों तक ए नाम दी आवाज चली जांदी है, ए अज्ञानता दे हंदेरे नू, अज्ञानता दी धुंद नू दूर करी जांदी है, नवा खंडा विच जाके थां थां ते जाके अपने अज्ञानता दी धुंद मिटाई। इसे लई सिद्ध कहिंदे हन वड्डा पुरख प्रगटिया, कल युग अंदर जोत जगाई, तो ओ जोत नाम दी जो गुरु नानक ने जगाई, संसार नू नाम दा चानना बख्शिया। आख्या संसार दे जितने जीव हन ए सब अकाल पुरख दा परिवार हन, इना दे नाल प्यार करना, शरबत दा भला मंगना, किरत करनी, नाम जपना, ते फिर अपनी किरत विचों वंड के छकना, ए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने संसार ते आके सच दी जोत जगाई, कल युग अंदर 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 जोत जगाई, बड़ा पुरख परगटिया, बड़ा पुरख परगटिया, कल युग अंदर जोत जगाई, कल युग अंदर जोत जगाई, कल युग अंदर जोत जगाई, कल युग अंदर जोत जगाई। शब्द सात सिद्धां विच आई, शब्द सात सिद्धां विच आई, जिन मेला शिवरात दा खट
दर्शन आदेश कराई, खट दर्शन आदेश कराई, कल युग अंदर ज्योत जगाई, कल युग अंदर ज्योत जगाई, कल युग अंदर ज्योत जगाई, कल युग अंदर ज्योत जगाई। बड़ी सिखी सेवकी सी इन्हां दी, जदों पता लग्या भई नानक तपा इत्थे आया तां इन्हां सारिआं पीरां ने एक प्रश्न रूप दुध दा कटोरा भर के भेज दिता। ए एक इशारा सी कि जिस तरह इस कटोरे विच इस बर्तन विच दुध लबो लब भरिया होया है, होर एक बूंद दी भी समाई नहीं है, इसे तरह इत्थे मुल्तान पीरां दे नाल पुर है, ते तुसी इत्थे क्या करन आए हो, इत्थे चले जाओ। जदों ए दुध दा कटोरा लैके धन गुरु नानक पातशाह जी दे पास आए, मर्दाने तो मन विच सोचिया भाई अज मुदत दे बाद दुध आया है, दुध छकांगे। पर धन गुरु नानक पातशाह अंतरजामी सतगुरु कहन लगे, मर्दानिया ए दुध पीण लई नहीं आया, ए दुध कोई सनेहा लैके आया है। ए दुध कहिंदा है भाई तुसी इत्थों चले जाओ, तुहाडे रहण दी कोई थां नहीं, कोई समाई नहीं,
धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिथे बैठे सन बगल विच एक चमेली दा बूटा सी, उथों एक फुल तोड़ के आपने उस कटोरे दे उपर रख दिता। आख्या मैं कोई इथे अपना डेरा जमान नहीं आया, कोई पीरी फकीरी बनाने लई नहीं आया, मैं ता केवल जिस तरह ए चमेली दा फुल खुशबू वंड रहा ना, मैं ता केवल सुगंधी वंडन लई आया, इथे मैं कोई पीरी फकीरी बनाने नहीं आया। जदों ए दुध दा कटोरा पीरां दे पास वापस गया ता इना दे समझन विच कोई देरी नहीं लगी, मन श्रद्धा दे नाल सिदक दे नाल भरपूर हो गया। आख्या कोई पुछया होया फकीर है, कोई खुदा दा प्यारा है, कोई रब दा प्यारा है, चलो दर्शन करिए। तो इना पीरां विचों इना दा मुखी सी बहावल हक पीर। बहावल हक ने आके हजूर नू अदब कीता, नमस्कार कीती, ते बेनती कीती, महाराज ए साडी भुल सी जो असी तुहानू कहा भई ये पीरीपुर मुल्तान है, तुहाडे लई कोई थां नहीं, आप आए हो जीव आया, हुण कृपा करके साडे ग्रह चलो, साडी कुटिया चलो, ते ओथे प्रसाद पाओ। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे भाई जे फकीर फकीर दी गल ना मनेगा तो होर किदी मनेगा, तुहाडी कुटिया चल के तुहाडे स्थान ते चल के जरूर प्रसाद पावांगे। ता बहावल हक पीर ने आख्या महाराज फिर कृपा करो ए वी दस दियो भाई केड़ी वस्तु खुशी नाल छकदे हो, ओही बना लईए। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई होर जो मर्जी है बना ली, पर एक पाइया गरीबी दा जरूर बना लेना। गरीबी तो भाव कोई भुखमरी जां कंगाली नहीं, गरीबी दा भाव सी निम्रता, के इतना कुछ होंदियां होया भी मनुख दे विच कोई होमे ना आवे, कोई गर्व ना आवे, निम्रता विच रहे। आख्या मैं निम्रता तो बिना कमजोर हो जांदा हां, इसलिए एक पाइया निम्रता जरूर बना लेना, होर जो मर्जी है बना लो। ता पीर बहावल हक ने कहा महाराज ये मिलेगी कितों, मैं ता ना ही अज सुनिया है, ये गरीबी कितों मिलेगी, किते बाजार भी ता विकदी वेखी नहीं। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बहावल हक तेरी पहुंच कितों तक है। ता बहावल हक कहन लगा महाराज जदों मैं नित नेम विच बैठता हां, मरातबे जांदा हां, ता प्रकाश होंदा, दरगाह तो आवाजा आउंदियां हन कुछ मंग लै, पर मैं कदे कुछ नहीं मंगया, क्योंकि जो रब दे प्यारे हन वो कदे कुछ मंगदे नहीं। जिनों को इश्क सादक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों में मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं, वो कदे कुछ नहीं मंगदे भाई जो रब दे प्यारे। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बहावल हक अज साडे लई मंग ले, कह दई नानक मेरे घर आया है, ते ओ एक पाइया गरीबी दा मंगदा है। सत वचन कह के चला गया, ते जदों अपने नितनेम विच बैठा मरातबे गया, प्रकाश होया, आख्या है खुदावंद करीम अगे तू कहिंदा है कुछ मंग लै, अज मैं कुछ मंगना है तेरे पास। आख्या मंग की मंगता है, ता बहावल हक ने कहा एक पाइया गरीबी दा चाहिदा। ता दरगाह तो आवाज आई के किते गुरु नानक तेरे घर ता नहीं बैठा, क्योंकि ए निम्रता जदों भी मंगी है गुरु नानक ने ही मंगी है और किसे नहीं मंगी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
किते गुरु नानक तेरे घर पे नहीं बैठा, तू अज गरीबी मंग रहे हैं ता बहावल हक ने किया बैठा ता मेरे ही घर है ते मंगी भी ओशे ने है। ता दरगाह तो आवाज आई फिर गल सुन के जब हमने ये सृष्ट उपाई जदों तो ए सृष्टि दी साजना हुई है एक शेर गरीबी दा एक शेर निम्रता दा सारी दरगाह विच पिया सी जिदे विचों तीन पाप गुरु नानक लै गए ते एक पाप अज पिछे पई है ते पता ही एक पाप गरीबी दा कादे वास्ते रखिया किसे वेले तेरे वर्गे फकीर नू किनका मातर देन लई ते जदों भी गुरु नानक ने मंगी है गरीबी मंगी है निम्रता ही मंगी है ता बहावल हक दी अख खुल गई होश आ गई के जिस खुदा नू मैं ध्यान ला ला के वेखण दा जतन करदा रहा ओ खुदा दा प्यारा ओ खुदा दा रूप ओ खुदा दे खजाने दे तीन हिस्से गुरु नानक लई बैठा ता बहावल हक ने आके गुरु नानक दे चरण छोड़े चरना ते देखिया महाराज जेड़ी वस्तु आप मंग रहे हो आप तो खुद उस वस्तु दे मालिक हो कोई किनका निम्रता दा कोई गरीबी दा कोई नाम दा किनका मेरी भी झोली विच पाओ ता सरबत पीरां नूं सच दा उपदेश दे के नाम दी जोत जगा दित्ती आख्या भाई जो भी कोई किसे दा गुरु पीर है उस गुरु नूं सास ग्रास ते आओगे ता तुहाडा संसार ते आया सफल हो जाएगा। कल युग अंदर जोत जगाई नाम दी जोत जगाई कल युग अंदर 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 जोत जगाई बगलते चमेली दूध विच मिलाई जो सागर विच गंग समाई कल युग अंदर जोत जगाई कल युग अंदर जोत जगाई कल युग अंदर जोत जगाई कल युग अंदर जोत जगाई। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने इसे तरह पता नहीं कितने को नूं तारिया जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती आसमान दे तारियां दी गिनती हो सकती है पर जितने गुरु नानक ने तारे नाम दी जोत जगा के तार दिते उन्हां दी कोई गिनती नहीं कर सके। भूमिया चोर जो आए गए राहगीर नूं लुटदा सी दुख देता सी कतल करदा सी अज किवें जाके बैठ गए गुरु नानक सच्चे पातशाह।
ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਧਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਰੀ ਨਾ ਛੱਡ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਮੰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਕਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬਈ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਮਕ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਚੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਟਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਆਪ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚੌਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ
जवा रात जो कुछ भी मैनू मिलिया मैं पंड बन ली। जो अलमारी विच पिया एक डब्बा जिदे विच नमक पाया होया सी, नमक मैं मिठा समझ के चूंडी भर के जदों अपनी रचना ते लाया ता नमक सी। और गुरु दा बचन याद आ गया, भाई जिस दा नमक खाना है उस दा कदे बुरा नहीं मंगना। इसलिए राजा मैं जो कुछ भी बनिया सी सब कुछ छड़ गया, इसलिए हुण तू जेड़ी सजा देनी है मैनू दे, इन्हां गरीबां नूं छड़ दे जेड़े विचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। राजे ने जदों ए बचन सच सच बचन चोर दे सुने ता मन विच ख्याल आया, भई इतना ज्ञानवान इतना गुरु दे बचन दी पालना करन वाला मनुख इसनू मैं अपना वजीर ही क्यों ना बना लूं। उच्चारण करो श्री भाई। राजे ने वजीर बनाया। इतिहास विच लिखिया कि इस राजे नूं भी भूमिया दे सदके इस राजे नूं भी घर विच बूटा भी लग्या, इहदी औलाद नहीं सी ते नाले दर्शन भी होए गुरु नानक दे, सारी नगरी भी निहालो निहाल हो गई। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने एक भूमिए चोर विच ही नहीं जोत जगाई, राजे विच भी जगा दित्ती, सारी प्रजा विच भी इस कलयुग दे विच जोत जगा के सारयां नूं तार दिता। कलयुग अंधेर जोत जगाई, कल युग अंदर जोत जगाई, कल युग अंदर जोत जगाई, कल युग अंदर जोत जोत जगाई, वड्डा पुरख प्रगटिया, वड्डा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जगाई, कलयुग अंदर जोत जगाई, सत नाम वाहेगुरु, सत नाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, कलयुग अंदर जोत जगाई, 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 कलयुग अंदर